गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड, आई एम गोइंग टू टीच यू SST सेकेंड टर्म चैप्टर 9 मुंबई। मुंबई इज द बिगेस्ट मेट्रोपोलिस ऑफ इंडिया। मुंबई जो है इंडिया का सबसे बड़ा, बिगेस्ट सबसे बड़ा मेट्रोपोलिस मीन्स मॉडर्न सिटी, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा मॉडर्न सिटी मुंबई है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ ड्रीम, इसको सिटी ऑफ ड्रीम सपनों का शहर भी कहा जाता है। मुंबई इज़ द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, मुंबई जो है वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला शहर है। अर्लियर मतलब प्राचीन काल में इट वाज नोन एज बॉम्बे, अर्लियर मीन्स पहले, इससे पहले कुछ दिनों पहले मतलब 10-20-50 वर्ष पहले इसको बॉम्बे के नाम से जानते थे लोग। मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई जो है महाराष्ट्र राज्य की कैपिटल है, राजधानी है। एंड मराठी इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द पीपल हियर, यहाँ पर लोगों का मेन लैंग्वेज क्या है, मराठी है। मुंबई हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, मुंबई का बहुत ही लंबा इतिहास है। इट वाज ऑक्यूपाइड बाई अ ट्राइब ऑफ फिशरमैन कॉल्ड कोलीज, मतलब सबसे पहले मुंबई पर कोलीज नाम के ट्राइब्स का, जनजातियों का क्या था, कब्जा था। इट वाज देन रूल्ड बाई मैनी किंग, तब इसको बहुत से राजाओं के द्वारा रूल्ड किया जाता था, शासित किया जाता था, मतलब इस पर कई राजा शासन किए थे। इन एंशियंट टाइम प्राचीन समय में, विच वेयर फॉलोड बाई पोर्टुग्यूज, जिसके बाद पोर्टुग्यूज आए, पुर्तगाल के लोगों को पोर्टुग्यूज कहते हैं। एंड फाइनली इट केम अंडर द ब्रिटिश रूल, और फाइनली लास्ट में, सबसे लास्ट में ये ब्रिटिश रूल के अंतर्गत आया इन 1665 ईस्वी में। लोकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस, मुंबई का लोकेशन, और लोकेशन मीन्स स्थिति, और वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसें कौन कौन सी हैं उसके बारे में स्टडी करना है। मुंबई इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया अलॉन्ग द बैंक ऑफ अरबियन सी, मुंबई इज लोकेटेड, मुंबई स्थित है ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी कोस्ट पे, कोस्ट का मतलब होता है समुद्र तट ऑफ इंडिया, इंडिया के, अलॉन्ग द बे ऑफ अरबियन सी, मतलब जो अरबियन सी का तट है उसी के पास ये लोकेटेड है। मुंबई इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट, मुंबई एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट है, बंदरगाह है। एज शिप कैरिंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज सेट एंकर हियर, क्योंकि यहाँ पर जो जहाज़ें दूसरे देशों से गुड्स को कैरी करती हैं, मतलब ले जाती हैं और लाती हैं, वहाँ पर अपना एंकर लगाती हैं, मतलब आकर वहाँ पे खड़ी होती हैं। ऑल द ऑफिसेस ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट मीन सरकार की जितनी भी ऑफिसें हैं आर लोकेटेड इन मुंबई, वो मुंबई में लोकेटेड हैं, स्थित हैं। द चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर एंड द एंड ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, और राज्य के जितने मंत्री हैं लिव इन मुंबई, मुंबई में रहते हैं। इकोनॉमी यूटिलिटी सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, मुंबई सर्व एज द इकोनॉमिक सेंटर ऑफ इंडिया, मुंबई जो है भारत की आर्थिक राजधानी या तो आर्थिक केंद्र की तरह कार्य करती है। मुंबई हैज और लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मुंबई में सबसे बड़ा, लार्जेस्ट सबसे बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है इन इंडिया। द स्टॉक एक्सचेंज इन मुंबई, मुंबई का जो स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज मीन्स शेयर बाजार, इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री, मतलब देश का बहुत ही इम्पॉर्टेंट शेयर बाजार है। द मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शॉर्ट में बोलते हैं BMC, लुक्स आफ्टर द वाटर सप्लाई, ये वाटर सप्लाई का कार्य करता है इन द सिटी, इलेक्ट्रिसिटी
इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पहुंचाया जाता है बाय बृहन मुंबई, ये भी एक संस्था है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की सुविधा सप्लाई किया दी जाती है किसके द्वारा, बेस्ट, ये भी एक संस्था है जिसके द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा लोगों को प्रदान की जाती है। बेस्ट आल्सो रन्स पब्लिक बसेस, ये पब्लिक बस भी चलाता है, कौन, बेस्ट। पीपल जनरली ट्रेवल्ड बाई लोकल ट्रेन, जो जनरल लोग हैं अधिकतर लोग ट्रेन से आते जाते हैं एंड बसेस और बसों के द्वारा। एज दे आर वेल कनेक्टेड टू ऑल प्लेसेस, क्योंकि ये जो बसें हैं सभी जगहों से क्या है, कनेक्टेड है, मतलब हर एक जगह के लिए बस जाती है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, सॉरी छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इज वन ऑफ द बिजिएस्ट, मतलब एक बहुत ही व्यस्त एयरपोर्ट इन द कंट्री, देश में बहुत ही व्यस्त एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज मॉडरेट, मुंबई का जो क्लाइमेट है मॉडरेट है, मतलब मॉडरेट मीन्स सामान्य है, न तो अधिक गर्मी न तो अधिक ठंडी। इट इज नेदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, यह न तो ज़्यादा हॉट है न तो ज़्यादा गर्म है न तो ज़्यादा ठंडा है। समर आर हॉट एंड ह्यूमिड, जो समर का महीना होता है हॉट होता है और ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब उस वातावरण में उस क्लाइमेट में क्या रहेगी, वाष्प की मात्रा, पानी के वाष्प की मात्रा अधिक रहेगी, उसको बोलेंगे ह्यूमिड। एंड विंटर्स आर क्वाइट इंजॉयबल, जो विंटर्स का सीजन होता है बिल्कुल ही इंजॉयबल होता है, आनंददायक होता है एंड प्लीजेंट। मुंबई गेट्स हैवी रेनफॉल इन जून, मुंबई में जून में भारी बरसात होती है। जुलाई एंड अगस्त मीन्स जून जुलाई और अगस्त में मुंबई में हैवी रेन होती है। द ब्यूटी ऑफ मुंबई, मुंबई की सुंदरता, मुंबई की सुंदरता इनक्रीजेज मतलब बढ़ जाती है, मेनी फोल्ड का मतलब कई गुना। ड्यूरिंग द रेनी, ड्यूरिंग द रेन्स मतलब बरसात के दौरान मुंबई की सुंदरता कई गुना मेनी फोल्ड बढ़ जाती है। पीपल कल्चर एंड फूड, लोग कल्चर संस्कृति और उनका भोजन, लोगों का भोजन। अ रेजिडेंट ऑफ मुंबई, मुंबई का रहने वाला, इज कॉल्ड अ मुंबई कर, उसको क्या कहते हैं, मुंबई कर। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग एंड कल्चर संस्कृति के लोग लिव टुगेदर इन द सिटी, सिटी में साथ साथ रहते हैं। मुंबई है जे यूनिक ब्लेंड ऑफ मैनी कल्चर, मुंबई में जो है विशेष प्रकार की कई संस्कृतियों का क्या है, मिश्रण है। ऑल इम्पॉर्टेंट इंडियन, ऑल इम्पॉर्टेंट इंडियन फेस्टिवल, जितने भी महत्वपूर्ण भारतीय त्यौहार हैं आर सेलिब्रेटेड हियर, यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है, इज गणेश चतुर्थी, मतलब सब त्योहारों में इम्पॉर्टेंट है वहाँ का गणेश चतुर्थी। भेलपुरी, पाव भाजी, वड़ा पाव एंड पानी पूरी आर द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट फूड, ये क्या है, बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है, मतलब ये घूम घूम कर बेचा जाने वाला फूड्स है, फूड आइटम ऑफ मुंबई। श्रीखंड, सीरा एंड पुरान पोली आर द पॉपुलर डेजर्ट, ये क्या पॉपुलर डेजर्ट है, मतलब ये मिठाई है, डेजर्ट मीन्स मिठाई। साउथ इंडियन एंड चाइनीज फूड, साउथ इंडियन और चाइनीज फूड आर आल्सो वेरी पॉपुलर, ये भी बहुत ही क्या है, फेमस है इन द रीजन, राज्य में। मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट मतलब कौतुक, मतलब मोनूमेंट, और मोनूमेंट मीन्स स्मारक होता है, बिल्डिंग जो होती है किसी की याद में बनाई जाती है उसको बोलते हैं मोनूमेंट्स। एंड प्लेसेस, जगहें, आप इंटरेस्ट मतलब जो देखने के लायक हैं वो जगहें। द मोस्ट फेमस बिल्डिंग इन मुंबई इज द गेटवे ऑफ इंडिया, जो मोस्ट फेमस बिल्डिंग है उसका नाम है गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में है। इट इज अ हिस्टोरिकल मोनूमेंट, यह एक ऐतिहासिक मोनूमेंट है, स्मारक है। लोकेटेड ऑन द वाटर फ्रंट ऑफ साउथ मुंबई, जो वाटर फ्रंट है साउथ मुंबई का, वहाँ पर ये लोकेटेड है, स्थित है। हाजी अलीज टम्ब मतलब हाजी अली का एक टम्ब है, मकबरा है, टम्ब इज मकबरा। इज अ प्लेस, एक प्लेस है ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। इन मुंबई द छत्रपति शिवाजी महाराज, मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, विच वाज फॉर्मरली नोन एज प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, इज एमंग द मोस्ट रिनाउंड म्यूजियम ऑफ इंडिया। इन मुंबई, मुंबई में छत्रपति शिवाजी वस्तु संग्रहालय जो है इंडिया का सबसे फेमस, मोस्ट रिनाउंड, बहुत ही फेमस म्यूजियम है, जिसका कि पहले नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। द हैंगिंग गार्डन्स इज द परफेक्ट पिकनिक स्पॉट इन मुंबई, हैंगिंग गार्डन एक प्लेस है, ये मुंबई का पिकनिक प्लेस है, मतलब सबसे अच्छा पिकनिक का प्लेस है। एसएल वर्ल्ड इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट म्यूजियम पार्क, एसएल जो वर्ल्ड है इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट एम्यूजमेंट पार्क है, इज आल्सो लोकेटेड इन मुंबई, जो कि मुंबई में लोकेटेड है। अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, जो देखने वाले और प्लेसेस हैं, आर नेहरू प्लानिटेरियम, नेशनल साइंस सेंटर, द सू हाउस एंड द एलिफेंटा केव, ये भी क्या है, देखने की जगहें हैं जहाँ पर कि टूरिस्ट जाते हैं। द पीपल ऑफ मुंबई स्पेंड देयर इवनिंग, अपनी शाम को बिताते हैं ऑन द बीचेज, बीचेज का मतलब समुद्र का जो किनारा होता है उसको बोलते हैं बीचेज। सम ऑफ द एम्यूजमेंट बीचेज, कुछ सम ऑफ द फेमस बीचेज, कुछ फेमस बीच का नाम दिया है, आर मरीन ड्राइव, चौपाटी, जुहू एंड अक्सा, ये क्या हैं, फेमस बीच हैं। द शाइनिंग लाइट एट नाइट अलॉन्ग द मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव जो बीच है उस पर लाइन लगी हुई है, मतलब लाइन का मतलब ये जो बल्ब होते हैं ना, ये लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, तो कह रहा है कि द शाइनिंग लाइट्स एट नाइट अलॉन्ग द मरीन ड्राइव आर कॉल्ड क्वीन नेकलेक, इसको क्वीन नेकलेक के नाम से जानते हैं, या तो आर कॉल्ड कहा जाता है क्वीन नेकलेक। क्वीन नेकलेस, क्वीन नेकलेस मीन्स, नेकलेस मीन्स होता है हार, या तो ऑर्नामेंट, गहना भी कह सकते हैं इसको। टिक द करेक्ट ऑप्शन, मुंबई द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, ये आपका नो होगा। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज मॉडरेट, एस होगा। गणेश चतुर्थी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र, ये आपका एस होगा। मुंबई इज द बर्थ प्लेस ऑफ हॉलीवुड, ये नो होगा। शॉपिंग मॉल्स, मार्केट एंड फिल्म सिटी, मुंबई
हैज मैनी फेमस मॉल्स, मुंबई में बहुत ही फेमस प्रसिद्ध मॉल्स हैं। मॉल्स मतलब एक बहुत बड़ी दुकान होती है, लाइक पटरिया मॉल, फोनिक्स मॉल एट्सेट्रा। द मार्केट ऑफर एन एक्साइटिंग शॉपिंग एक्सपीरियंस। ये जो मार्केट्स हैं शॉपिंग मॉल्स, ये बहुत ही एक्साइटिंग अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस क्या करते हैं लोगों को प्रदान करते हैं, या तो टू विजिटर्स जो वहाँ पे जाते हैं उनको, जो वहाँ पे विजिट करने जाता है शॉप में उसको। देयर आर मैनी मार्केट, यहाँ पर बहुत से मार्केट हैं, लाइक द कोलाबा देवी मार्केट, भूलेश्वर, जावेरी लिंक रोड मार्केट, क्रॉफोर्ड मार्केट एट्सेट्रा। मुंबई इज द बर्थ प्लेस ऑफ बॉलीवुड। मुंबई जो है बॉलीवुड का बर्थ प्लेस है। फिल्म सिटी इज लोकेटेड इन मुंबई। फिल्म सिटी मुंबई में लोकेटेड है। मोस्ट ऑफ द हिंदी फिल्म, हिंदी के अधिकांश फिल्में एंड टीवी सीरियल, और जो टीवी सीरियल्स हैं आर मेड हियर, यहाँ पे बनाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द फिल्म स्टार, जितने भी फिल्म स्टार्स हैं उसमें से अधिकांश एंड टीवी सीरियल्स लिव इन मुंबई, मतलब जितने भी फेमस फिल्म स्टार और टीवी सीरियल्स हैं, टीवी के सीरियल के आर्टिस्ट हैं, वो मुंबई में रहते हैं।